press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. पिछले दिनों एक भारतीय परिवार ने यह आरोप लगाया था कि ब्रिटिश एयरलाइंस ने उनके 3 साल के बच्चे के रोने के कारण उन्हें विमान से उतार दिया था। अब इस घटना पर बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने ट्वीट करके ब्रिटिश एयरलाइंस के अपना अनुभव शेयर किया। ऋषि कपूर ने इस ट्वीट में ब्रिटिश एयरलाइंस को नस्ल भेदी बताया है और साथ में उन्होंने इस एयरलाइन से लोगों को सफर नहीं करने की अपील भी की है। ऋषि कपूर ने इस ट्वीट में लिखा, नस्ल भेदी ब्रिटिश एयरलाइंस में उड़ान न भरे, हम यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्लिन में बच्चे के साथ हुई घटना सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने ब्रिटिश एयरलाइंस से उड़ान भरना बंद कर दिया। मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि दो दो बार ब्रिटिश एयरवेज के केबिन क्रू ने गलत बर्ताव किया, जबकि मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर था। जेट एयरवेज या एमरेट से सफर करे, वहाँ सम्मान है। ऋषि कपूर ने जिस घटना का जिक्र अपने ट्वीट में किया वह 23 जुलाई 2018 की है। घटना एक भारतीय परिवार के साथ हुई है जो ब्रिटिश एयरवेज के लंदन बर्निंग फ्लाइट में सफर कर रहा था। इस घटना के बाद ब्रिटिश एयरवेज के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि हम ऐसे दावों की गंभीरता से जांच करेंगे और किसी भी प्रकार के पक्षपात को ब्रिटिश एयरवेज बर्दाश्त नहीं करेगी। मामले की जांच शुरू कर दी है और भारतीय परिवार के संपर्क में भी है। हम लोग बर्लिन से लंदन गए थे 19 तारीख को और देर वॉज नो इशू इन दैट प्लेन। हमारे छोटे बच्चे के साथ ब्रिटिश एयरवेज से गए थे। जब हम लोग लंदन से बर्लिन आ रहे थे 23 जुलाई को, तो हम लोग जब लंदन में जो प्लेन में चले गए, पहला बार तो उसने फर्स्ट जो क्रू मेंबर था, हम लोग बोले कि हमारी सीट कौन सी जरा गाइड कर दीजिए। बोले कि एवरीथिंग इज रिटन ऑन द सीट, प्लीज सर्च योर सेल्फ। तो हम गए और अपना सीट सेटल कर गए। फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी अनाउंसमेंट हुई तो हमने, क्योंकि बच्चा हमारा 3 साल का था तो उसके लिए अलग सीट असाइंड थी, तो हमने बच्चे को अपने अलग विंडो सीट पे उसको बिठाया और उसको टाई किया। तब तक वो थोड़ा रोने लगा क्योंकि अनइजनेस हुई तो रोने लगा, थोड़ा भूख भी लगी हुई थी उसको। तो हमारी मिसेज ने उसको अपने आर्म्स में लेकर उसको चुप कराने की कोशिश की। तब वहाँ एक मेल क्रू मेंबर था, वो आके बोला कि यू चाइल्ड शुड सीट ऑन द सेपरेट सीट, और उसको थोड़ा डांटा, मैंने लहजे डांटे के लहजे से भी कहा। तो हम लोगों ने बच्चे को उठा करके बगल सीट में बैठा के टाइड अप कर लिया, लेकिन वो डांटने से बच्चा स्कॉल्डिंग से रोने लगा, रोने चुप नहीं हुआ, टैक्सिंग करने लगी फ्लाइट। उसके बाद पीछे से हमारे एक फैमिली, अदर इंडियन फैमिली थी, उसको चुप कराने के लिए एक बिस्कुट उसको दिया ताकि चुप हो जाए बच्चा, लेकिन वो रो रहा था क्योंकि डांट पड़ चुकी थी उसको। फिर जब टैक्सिंग होती रही तो फिर उसका क्रू मेंबर आया, बोला कि यू प्लीज कीप क्वाइट, उसने ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए, कीप क्वाइट अदरवाइज यू एंड योर फैमिली विल बी ऑफलोडेड। लेकिन ऐसे शब्द हम नहीं बोल सकते हैं इस टीवी पे कि किस तरह का शब्द उसने इस्तेमाल किया, और इट वॉज ए रियली इनजस्टिस और मैंने इंसल्ट टू द आवर इंडियंस। और उसके बाद फिर वो हम लोगों ने उसको, बच्चे को पकड़ा रहा था, रो रहा था, और उसके बाद तब थोड़ी देर के बाद उसने फिर वो पता नहीं पायलट को बताया और फिर प्लेन जो है पार्किंग बे में लेके आया, और वहां से फिर सिक्योरिटी नीचे से आई। हम लोग ने तब तक बच्चा हमारा, हम लोगों ने दूध करीब आधा पौन घंटा ये बीच में हो गए थे, हमारा बच्चा तब तक शांत हो चुका था, दूध उसको पिलाया उलाया, ही वॉज कीपिंग क्वाइट इन द सीट। लेकिन इन लोगों ने आकर के काफी कहा कि नहीं, आप लोग हमारी बोर्डिंग पास ले ली, उन्होंने सब बताया नहीं कि किस लिए बोर्डिंग पास ली है। और फिर मैं आया पायलट के पास में, चौक सिक्योरिटी के पास में और क्रू मेंबर के पास में, और कहा कि भाई बच्चा शांत हो गया है ये, लेकिन नो यू हैव टू अफलोड इट।